नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज के बयान का भी लेटेस्ट बयान होने वाला है, उसका टाइटल है औरतों की ड्रेस कैसी होना चाहिए बाय मौलाना जर्जीद अंसारी। चलिए दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक साहब के बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब, वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। अब मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा हूँ। अब दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर ओवर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊँगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसे, व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत करती आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको, हम मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं कैसे। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, हम जवान, हमें प्रॉब्लम हो रही है भाई। जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए भाई। उसके बाप से हे, ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए, इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया, मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए। मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगे, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफर करके, ऊंट का सफर करके, आज 4 घंटे में पहुंच जाते, जमाना ये आ गया है। मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले जमाने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। हट, बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया मेरे भाइयों। हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्ने भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए है, सिर्फ चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है बस। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का, चलो और आगे चलो इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज कृष्ण शंकर ये हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी, तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है जल्दी से। लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी, ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी, तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने, हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता। भाई वैसे इस वीडियो में जो मौलाना जर्जीद अंसारी ने मतलब अपना एक जो मतलब रियल लाइफ का जो फैक्ट है वो बताया, मतलब कि इनको किसी लेडी ने मतलब मैं दावत पे बुलाया और उन्होंने मतलब बताया कि वो मतलब जब दावत देना है तो मतलब जो ड्रेसिंग सेंस थी वो ठीक नहीं थी,
फिर उन्होंने बताया तो वो एक मॉडर्न जमाने की मतलब लेडी थी, एक मतलब पता नहीं कौन से स्कूल का बताया, वहाँ से पढ़ के आई थी, तो उनके बीच में कुछ खाफुसी हो गई, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो थी। हाँ मतलब भाई ये वाक्य आज चल भी रहा है मीडिया में, बहुत ही वाक्य सुनने को मिल रहा है, जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं न्यूज़ में कि स्कूल में बच्चे मतलब कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो कह रही कि हम हिजाब पहन के आएंगी, और ये मतलब कि फिर इसी विवाद हो रहा है। मतलब हमारा जो मानना है कि जैसे कि आप स्कूल में आप एक विद्या को लेने जा रहे हो, मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो, तो आप उसको शिक्षा में देखो, ये आप धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हिजाब पढ़ के क्या हो जाएगा, इससे हिजाब पहन के क्या हो जाएगा, जब आप फर्स्ट आने लग जाओगे सेकंड आने लग जाओगे, ये सब चीजें अपने धर्म में हम इसे मानते हैं गलत नहीं है, मगर आप स्कूल में धर्म आप देखो ना कहाँ शिक्षा लेने आते हो, आप शिक्षा लो ना, ये सब चीजें से क्या यूज है वहाँ पे। हाँ मतलब एक स्कूल ही तो ऐसा है, मतलब जहाँ पे जो एजुकेशन पे हर तरह के मतलब कोई भी धर्म हो, जैसे हिंदू मतलब जो मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म ही इसलिए बना रखी कि चाहे कोई भी धर्म का हो कि सारे एक ही लगे, मतलब जो यूनिफॉर्म होती है उनकी, मतलब इसलिए उनको यूनिफॉर्म बोला जाता है कि यूनिफॉर्म सबकी जितने भी धर्मों को सेम समानता हो, मतलब कोई भी मतलब डिसिमिलरिटी नहीं रखे, कोई मतलब भेदभाव ना करके, और सबको जो एजुकेशन है वो इक्वल प्राप्त हो चुके। और दोस्तों जैसे कि हम किसी मतलब कि किसी धर्म और जिसके जो अपने जो उनके धर्म जो मानते हैं वो सब एक, अब तो जो मॉडर्न टाइम आ गया तो आज के टाइम में धर्म को काफी कम लोग मानते हैं, और जो इसके पुराने जो ख्यालात के लोग हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे टाइम में जो हमारी बातें हम पे बीतेगी वो भी अब मॉडर्न टाइम के लोग उसको भी फॉलो करें, मगर आज की दुनिया बहुत ही, आज की जनरेशन बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, एजुकेशन में हर चीज हर स्टाइल में हर चीज में आगे बढ़ चुकी है, और जैसे कपड़े से लेकर जो मेरा वाक्य है कि कपड़े से लेकर हम किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए कि कपड़े लेकर क्या है नियम, अब जो थोड़े उन्होंने पतले मतलब कि टाइट कपड़े पहने के तो उनका नेचर गलती होगा गंदा ही होगा, मतलब ऐसे हम अपनी सोच को ऐसे थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। हाँ सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आती प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों।